हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे इज्जू डेयरी फार्म बिहार में। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये अपने हाथों से मैंने ये पघा बनाया है। यहाँ पे बच्चिया है, इसके लिए मैं पघा बनाकर दिखाना चाहता हूँ आपको। तो ये तो बन गया है, लेकिन अब इसको खोल कर हम लोग बनाएंगे और पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे किस तरह बनाया जाता है। तो चलिए पहले इसको खोल लेते हैं। लगभग 7 मीटर आपको ले लेना है रस्सी, और मैंने भी ले लिया है, कुछ कम है इसमें। तो मैं आपको बनाकर इसको दिखाऊंगा। पहले सबसे पहले आपको करना है, जो रस्सी कटा हुआ रहेगा इसमें गांठ बांध देना है। कसके मैंने बांध दिया है यहाँ पे। तो गांठ बांधने के बाद आपको फर्स्ट टाइम अगर गाय का बना रहे हो, अगर मुलायम रस्सी हो तो आपको यहाँ तक लेना है 1 मीटर लगभग, और अगर भैंस का बना रहे हैं तो लगभग यहाँ तक लेना है आपको। तो हम गाय का यानी बच्चा का, इस बच्चे का बनाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ इतना हमने ले लिया है इसके लिए। तो फर्स्ट टाइम मैं अपने बाएं हाथ में इस तरह अंगूठे से इसको दाब लेना है, और दाबने के बाद जो है यहाँ पे ये वाला जो है इसको नीचे की ओर खींचना है, लगभग इतना खींच लेना है इस तरह। और उसके बाद जो है ये रस्सी जो है इसको इस तरह पलट देना है इस रस्सी से, और इसको जो है इधर रखना है। उसके बाद ये वाला जो रस्सी है इसको इस गांठ में डाल देना है। तरह इतना हो गया और ये हो गया। इसके बाद जो है इसी की लंबाई से इतना हमको नाप लेना है इतना। उसके बाद जो है फिर हमको इसी तरह ये वाला जो है ये रस्सी जो है खींचना है, इसको इतना खींचना है कि आपको बांधने में सहूलत हो। इस तरह से इतना खींच लेना है, फिर इसको इस तरह पलट देना है। फिर ये वाला रस्सी जो है इसको इस तरह करना है, और फिर इसको इसमें डाल देना है। ये हो गया, और इसको जो है इसमें डाल देना है। ये हो गया रस्सी रेडी। यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहनाने का तरीका मैं दिखा दूँ आपको। इसको ये वाला जो है इसको मुंह में खिलता है इस तरह, और इसको जो है इस तरह काम तैयार हो गया। अब इसको इस तरह बांध भी सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक से जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।